नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसका पालन करने के लिए बागपत जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में प्रचार सामग्री को हटाना शुरू कर दिया गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही डीएम व एसपी ने जनपद में लगे होर्डिंग्स को उतरवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सबसे पहले जनपद मुख्यालय पर नगर पालिका बागपत व नगर पालिका बड़ो क्षेत्र में होर्डिंग्स, बैनर व अन्य सामग्रियों को उतरवाया जा रहा है और जनपद में निकाय क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए डीएम बागपत ने सख्त निर्देश भी दिए हैं। जैसा आप सभी सूचित हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी और आज से जो है वो आदर्श आचार संहिता जो प्रभावित फोन अटल हमारे जनपद में 11 मई को मतदान का सूचना है। इसी क्रम में जो आदर्श आचार संहिता के जो नियम हैं उनके प्रति जो सभी जगह एक सभी लोगों को लेवे प्ले फील्ड मिलना चाहिए, उसी क्रम में हम सभी जो जितने भी राजनीतिक पोस्टर हैं अपील के पोस्टर उन लोग हटा रहे हैं और ये सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि अपने अपना जो भी प्रत्याशी रहें वो अपनी अनुमति लेकर आरओ से और जो तय स्थान है वहाँ पर अपना लगाएं। साथ ही साथ मेरा सभी जितने भी हमारे नगरवासी हैं, जितने भी हमारे वोटर हैं, उन लोगों से अपील है कि हमारे ऐसे प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ने के इच्छुक, उन सभी लोगों से अपील है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करें, जो नियम बताए गए उनका अनुपालन करें, जिससे कि सभी लोगों को सुविधा रहे। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो हम लोगों को मजबूरन बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और उसका तरीका रहेगा। मैं दे दूँगा मेरा सभी वोटरों से अपील है कि मतदान अवश्य करें और जो आदर्श आचार संहिता है उसका अनुपालन करें। अभी सभी नगर पंचायतों में कार्रवाई चल रही है, शहरी के जितने भी जहाँ चुनाव होना उनमें ये आदर्श आचार संहिता प्रभावी है और सभी जगह पर कार्रवाई चल रही है।